अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेसन में हम वीडियो सब्सक्राइब में टेक्स्ट राइट करना सीखेंगे। जैसे ही आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप टेक्स्ट राइट करेंगे। टेक्स्ट राइट करने के बाद आप फॉन्ट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे वो सारे फॉन्ट अवेलेबल होंगे जो कि आपने इंपोर्ट किए होंगे वीडियो सब्सक्राइब के अंदर। अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब न्यू इंस्टॉल किया है तो यहाँ पे आपको बहुत कम फॉन्ट शो होंगे। फॉन्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए आप मैनेज फॉन्ट्स के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास वो सारे फॉन्ट्स आ जाएंगे जो आपके कंप्यूटर में मौजूद हैं, और जिस भी फॉन्ट को आपने इंपोर्ट करना होगा आपने उसके ऊपर आके इस प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस फॉन्ट को ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस देगा कि आपने इसमें से कौन से लेटर्स को इंपोर्ट करना है। तो आप बेशक सबको ही टिक करके ओके कर दें तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इम्पोर्ट कर देगा जी। तो यहाँ पर आपको एंड पे मिल जाएगा जो भी आपने फॉन्ट इम्पोर्ट किया होगा। अब यहाँ पर ओके कर दें और अब यहाँ से आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये वाला फॉन्ट हमने इंपोर्ट किया था एलिरोन लाइट, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे और जब आप यहाँ पे जाके देखोगे तो ये आपका टेक्स्ट उसी फॉन्ट के अंदर लिखा जाएगा। अब ये देखिए जो हमने टेक्स्ट राइट किया है उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये देखिए ये वही टेक्स्ट बॉक्स है जो यहाँ से हमारे पास ओपन हुआ था। अगर आप फॉन्ट को चेंज करना चाहते हो या इसकी अलाइनमेंट वगैरह चेंज करना चाहते हो या आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसका कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो, या आपने जो भी अलाइनमेंट रखनी हो इसकी आप वो रख सकते हो। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो जो भी आपने चेंजेस की होगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसके बाद मज़ीद इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि ये टेक्स्ट लिखा कैसे जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास आ गया ड्राइंग ऑप्शन। ये हमारे पास डिफरेंट इसकी एनिमेशन होती हैं। एनिमेशन से मुराद ये है कि आपका टेक्स्ट किस स्टाइल में लिखा जाएगा या किस स्टाइल में वो अपीयर होगा। अभी यहाँ पे हमारे पास ड्रा लिखा हुआ है तो अभी हम देखते हैं कि हमारा टेक्स्ट किस तरह से लिखा जा रहा है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये वीडियो सब्सक्राइब का एक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत फीचर है कि इसमें हमारे पास हैंड राइटिंग होती है। तो अगर आप इस हैंड को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ड्राइंग हैंड का ऑप्शन होता है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट हैंड्स मौजूद हैं जिसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं। ये वाले जो नीचे आपको ये चारों नज़र आ रहे हैं ये आपके पास अभी शो नहीं होंगे। हैंड को भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमें ये वाले जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर हैंड्स हैं वो हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं तो हम खुद से भी इसको चेंज कर सकते हैं, कस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इसको कर दूँ, पहले ये वाला शो हो रहा है, अगर मैं इसको टिक कर दूँ तो ये कुछ इस तरह का राइट करेगा। और पहले अगर वो राइट हैंड शो हो रहा है और अगर आप लेफ्ट करना चाहते हो तो आप लेफ्ट को कर सकते हो तो ये इस तरह से राइट करेगा। ओके करते हैं और उसके बाद आ जाएं यहाँ पे दोबारा से। अगर आप ड्राइंग हैंड शो नहीं करना चाहते, चलिए पहले हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि अभी जो हमने किया है वो हमारे सामने वीडियो में कैसे शो होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम प्रीव्यू को यहाँ से देख सकते हैं अभी, क्योंकि एक ही टेक्स्ट है हमारे पास और कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो एक ही सीन है। अब आप इससे प्रीव्यू चेक करें या इससे चेक करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए आपकी वीडियो में इस तरह से टेक्स्ट लिखा जाएगा। दोबारा से इसकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं और अगर फॉर एग्जांपल हम हैंड रिटन इफेक्ट नहीं देना चाहते, हम कोई एनिमेशन के थ्रू टेक्स्ट को राइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाएँ तो आपको यहाँ पर दो मज़ीद ऑप्शन मिलेंगे। एक मूव इन का है। मूव इन का मतलब ये है कि आपका टेक्स्ट किस साइड से मूव होके अपीयर होगा। अभी हमारा टेक्स्ट इस साइड से हमें शो हो रहा है तो इसका प्रीव्यू चेक करते हैं, ये इस तरह से आएगा। लेकिन मूविंग इफेक्ट में आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ड्राइंग हैंड में जाके इसको नो हैंड कर दें, क्योंकि हैंड के साथ वो मूव करके आता सही नहीं लगता, वो हैंड डोमिनेटिंग लगता है। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं तो अब ये इस तरह से आ रहा है। इसकी हम पोजिशन चेंज करते हैं। अगर आप यहाँ पर रखते हो तो अब देखिएगा टेक्स्ट ऊपर से नीचे की जानब आएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर लेफ़्ट पे करें तो ये लेफ्ट साइड से अपीयर होगा, और अगर हम राइट पे करते हैं तो अब हमारा टेक्स्ट राइट साइड से अपीयर होगा। और इसके अलावा हमारे पास फेड इन का ऑप्शन है। फेड इन मतलब मध्यम, और इसका आप प्रीव्यू देखो तो ये देखिए पहले वो टेक्स्ट
मध्यम था और फिर उसने जैसे वो ब्लिंक करके आता है, तो ये इस तरह का इफेक्ट है। यहाँ से आप इफेक्ट को चूज कर सकते हो और यहाँ से आप लोग हैंड को चूज कर सकते हो। उसके बाद जी यहाँ पे भी कुछ हमारे पास ऑप्शंस शो हो रहे हैं। गैप का मतलब ये होता है कि आपने ये जो लेटर्स हैं इनके दरमियान कितना गैप देना है। अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो ये देखिए अब हमारे जो लेटर्स हैं उनके दरमियान स्पेस ज़्यादा होती जा रही है। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है ड्रा राइट टू लेफ्ट। अगर आप लेफ्ट टू राइट नहीं ड्रा करना चाहते तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। अब देखिएगा इसका प्रीव्यू, सॉरी अभी ये फेडिंग लगा हुआ है तो आपको इतना वाजे नहीं होगा। हम इस पे ड्रा इफेक्ट ही लगाते हैं और हैंड हम यही वाला रखते हैं। तो अब इसका प्रीव्यू देखते हैं हम। अब ये देखें, अब ये इस साइड से लिख रहा है। उसके बाद नीचे आ जाएं तो यहाँ पे है सॉलिड। सॉलिड का मतलब कि आपके पास जो कलर है वो 100% सॉलिड हो, और अगर आप इसको कम करते हो तो उसकी आप इसको ओपेसिटी की सेंस में भी ले सकते हैं। ओपेसिटी का वर्ड ओपैक से निकला है। इसको आप इजी वर्डिंग में समझ सकते हो कि आर पार देखना किसी चीज़ के। तो अगर हम किसी भी चीज़ को मध्यम सा लाइट सा दिखाना चाहते हैं तो हम उसकी ओपेसिटी को कम करते हैं। जो ग्राफिक डिज़ाइनर ये वीडियो सुन रहे होंगे उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा। तो यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर कभी ज़रूरत पड़े, या आपने कोई वाटर मार्क लगाना हो अपनी वीडियो के अंदर, या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो कि वाटर मार्क लगा के दें, तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं। अभी मैं इसको 100% ही कर रही हूँ। उसके बाद रोटेशन का ऑप्शन, रोटेट आप इसको टेक्स्ट को यहाँ से भी कर सकते हो, और उसके अलावा आप अपने कैनवस पर जाके बाउंडिंग बॉक्स की मदद से भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे हमारे पास होता है एनिमेशन टाइम। एनिमेशन टाइम का मतलब ये है आपके टेक्स्ट के ऊपर जो भी इफेक्ट लगा हुआ है वो कितने सेकंड्स के अंदर अपीयर हो। अगर हम यहाँ से इसकी एनिमेशन इंक्रीज कर दें, फॉर एग्जांपल 7 कर दी, तो अब इसका प्रीव्यू देखिएगा, अभी देखिए कितना स्लो स्लो वर्क कर रहा है। तो ये होता है हमारे पास एनिमेशन टाइम। उसके बाद पॉज टाइम का मतलब ये है कि जब आपका टेक्स्ट कम्प्लीटली लिखा जाए तो वो कितनी देर तक रुके, और उसके बाद फिर अगला जो भी आपने टेक्स्ट राइट करना हो या जो भी आपने ऑब्जेक्ट लेके आना हो तो वो उसके बाद अपीयर होगा। उसके बाद होता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का ये मतलब होता है कि आपने जो टेक्स्ट राइट किया है वो कितनी देर के बाद आपकी स्क्रीन से डिसअपीयर होगा, और नेक्स्ट आपने जो भी लिखना हो या जो भी आपने ऑब्जेक्ट प्लेस करना हो, नेक्स्ट जो भी आपकी चीज़ हो वो कितनी देर के बाद आएगी, तो ये होता है हमारा ट्रांजिशन टाइम। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली। अब हमारे पास रह गया ग्राफिक फिल्टर, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फिल्टर्स मौजूद हैं। अगर आपने टेक्स्ट को ब्लर करना हो तो आप यहाँ से ब्लर का ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ग्लो का फिल्टर भी दिया गया है। ग्लो, अब ये अभी इसका कलर ब्लैक है, अगर आप इसको येलो कर दो या आप इसको लाइट पिंक कर दो और यहाँ से इसका ग्लो इफेक्ट बढ़ा दें, तो ये देखिए ये इस तरह से वो ग्लोइंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस का मतलब ये होता है कि आपका जो कलर है वो ज़्यादा ब्राइट आपको नजर आए। सैचुरेशन से मुराद भी कलर को शार्प करना, तो आपने इन डिफरेंट फिल्टर्स को ट्राई करना है। इसी तरह सैचुरेशन की तरह ही कंट्रास्ट भी होता है। कंट्रास्ट को भी आप कम या ज़्यादा करके टेक्स्ट में इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है जी हमारे पास, ये भी बहुत मज़े के ऑप्शंस हैं, ड्रॉप शेडो है। अगर आपने अपने टेक्स्ट का शेडो दिखाना हो और उसके एंगल वगैरह को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो कि आपने किस साइड पे किस तरफ को आपने ड्रॉप शेडो दिखाना है। तो शेडो यूजली ब्लैक में ही होता है, लेकिन अगर आप इसका भी कोई और कलर चूज़ करना चाहो, ग्रे करना चाहो, तो आप कर सकते हो। एंगल का मैंने आपको बता दिया। ऑफसेट से मुराद ये है कि अभी ये देखिए बहुत मध्यम सा है, अगर आप इसका ऑफसेट बढ़ाते हैं तो आप देखोगे कि वो शेडो का जो डिस्टेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए इसमें कितना डिफरेंस आ चुका है। ओपेसिटी से मुराद कि ये कितना आपको लाइट नज़र आए या कितना डार्क इसको होना चाहिए। अगर ज़्यादा डार्क करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो लेकिन जिस तरह का भी आपको चाहिए हो। और क्योंकि शेडो ब्लर होता है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 4 ब्लर अप्लाई किया हुआ है। अगर आप इसको मज़ीद ब्लर करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको मज़ीद ब्लर कर सकते हैं। उसके बाद होता है जी इनर शेडो। ये भी बहुत मज़े की चीज़ है। इसमें ऐसा लगता है कि जैसे टेक्स्ट के अंदर की जानिब
हमने शेडो अप्लाई किया हो, जैसे कि इसके नाम से ही शो हो रहा है कि ये अंदर की साइड पे शेडो को शो करेगा, और बेवल बेवल इफेक्ट भी बहुत मज़े का इफेक्ट है। अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा दें और यहाँ पे ओके करें तो ये देखिए बेवल से ये होता है। इसको मैं अगर थोड़ा सा जूम कर दूँ, ये देखिए इसमें यूँ लगता है कि जैसे बाउंड्री थोड़ी सी उभरी हुई है और जो टेक्स्ट है हमारा वो थोड़ा अंदर की जानेब है। तो ये बहुत मज़े का इफेक्ट है, आप इसको अपनी वीडियोस में ज़रूर यूज़ कीजिएगा। टेक्स्ट को आप छोटा बड़ा इन बाउंडिंग बॉक्स से भी कर सकते हैं, और जैसे वो रोटेट का मैंने बताया था तो आप रोटेशन को भी यहाँ से जिस साइड पर आपने रोटेट करना हो कर सकते हैं। इसका अभी एक बार प्रीव्यू चेक कर लेते हैं कि जो हमने ऑप्शन अप्लाई कर करके देखे हैं वो यहाँ पे अप्लाई भी हुए हैं। तो अगर आप इसके प्रीव्यू पे क्लिक करें तो ये कि वो जितने भी इफेक्ट हमने अप्लाई किए थे, स्लो मोशन और इसकी डायरेक्शन हमने चेंज की थी, वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। ये था आज का हमारा लेसन जिसमें हमने सीखा कि हम वीडियो सब्सक्राइब में टेक्स्ट को किस तरह से राइट करते हैं। अगले लेसन में हम इंशाल्लाह कस्टम हैंड क्रिएट करना सीखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।